मिक्कू जी आज उठ चुके हैं। आज मिक्कू 7:30 बजे उठ गया था और उसने नाश्ता भी कर लिया, नहा भी लिया, सारे काम कर लिया आज मिक्कू ने। आज मिक्कू बैठा है। मिक्कू आज क्या खाओगे आप? लॉलीपॉप खाओगे? बाहर की चीजें तो बंद है ना, बाहर पता है ना क्या हो रहा है? पता है ना आपको क्या हो रहा है बाहर? क्यों? बाहर कौन सा वायरस घूम रहा है मिक्कू? अच्छा आप बोलते तो कौन सा वायरस घूमता है बाहर जिसे मिक्कू खेलने भी नहीं जाता बाहर? कोरोना वायरस? ये कोरोना वायरस कौन सा वायरस है मिक्कू? और बाहर क्या लग रहा है आजकल? लॉकडाउन, जिससे मिक्कू कुछ भी नहीं कर सकता। मिक्कू आज आपके लिए एक चीज बनेगी जिसे मिक्कू खाएगा। मिक्कू क्या खाएगा? मिक्कू और इसकी बहन भी नहा के आ चुकी है, ये बैठी हुई है। एक मिक्कू देखो, और मिक्कू पता क्या कर रहा है? मिक्कू पढ़ना तो कुछ है नहीं मिक्कू को, सिंचैन देख रहा है। दिखाऊं आपको कैसे सिंचैन देखता है मिक्कू? श्वेता के थर्ड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, देखो आप लोग कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज का। तो आज मैंने अली के डैडी से पूछा हमें कौन से लोग बनाना चाहिए, तो उन्होंने बोला पकोड़े बना लेते हैं। चलो पकोड़े तो हम बनाएंगे, लेकिन ये नहीं पता हम किससे बनवाएंगे। आज हम अली के डैडी से पकोड़े बनवाएंगे जो उन्हें पता नहीं है। चलो फ्रेंड चलते हैं उनके पास। सुन रहे हो? पकोड़े का आइडिया दिया था, लेकिन पकोड़े आपको ही बनाने पड़ेंगे। तो सामान तैयार कर दो, मैं बना दूंगा पकोड़े। अच्छा तो सामान मैं तैयार करूंगी तभी मैं खुद ही नहीं बना लूंगी। तो बना लो फिर। नहीं भाई, सामान तैयार खुद ही करो, पकोड़े भी खुद ही बनाओ। डैडी बीच में सारा काम मम्मी को दे देंगे। नहीं नहीं भाई, चलो तुम सामान तैयार कर दो, मैं स्पेशल पकोड़े खिलाऊंगा। चलो ठीक है, मैं सामान तैयार कर देती हूँ। एक काम तो करोगे कम से कम? मम्मी आप बोल रही है खाली प्लेट दोगे, खाली प्लेट दोगे और मम्मी से बोलोगे चल काम पे लग जा, पांच बोले बना। अच्छा मैं बोलूंगा? हाँ। चल ठीक है, देखा। चलो मैं सामान तैयार कर देती हूँ, लेकिन बता देना फिर क्या स्पेशल पकौड़े बनाओ, कैसे कैसे फिर सामान तैयार करना है। ठीक है डैडी सरप्राइज देंगे। ठीक है। प्याज इतनी भोजन है? सिर्फ प्याज और मिर्च काट देना, और आलू ना वो बॉईल करने के लिए रख देना उबालने के लिए। ये कैसे पकोड़े बनेंगे? अरे रखो तो सही, मैं बना दूंगा अपने आप कर। और प्याज कैसे कट करनी है? प्याज बारीक बारीक, लंबी लंबी बारीक बारीक कट। बता नहीं भैया आज कैसे पकोड़े खिलाएंगे। देखो और प्याज, एक हर प्याज ला। ऐसे कौन बोलता है मिक्कू? कब बोलते हैं? मिक्कू बोलता है, मिक्कू बोलता है ऐसे। चलो अभी मैंने सामान तक तैयार कर दिया। इन्होंने आलू का है, मैंने आलू उबाल दिए, छील दिए अच्छे से, और मैंने इसमें बारीक बारीक प्याज काट दी, हरी मिर्च काट दी, धनिया काट दिया, और अजवाइन मांग रहे हैं। मैंने सारा काम तैयार कर दिया। चलो आओ बनाओ अब। चलो अब बना तो रहा हूँ। तुम बस अपने फोन में लगे रहो, बारिश बंद भी हो जाएगी और फिर खा लेना पकौड़े के। क्या खाओगे या हमें क्या खिलाओगे?
भाई मास्टर शेफ इंडिया। चलो इनके नई तरीके से सीखते हैं कैसे बना रहे हैं आज नई तरीके के पकोड़े। क्या डाल रहे हो उसमें? नमक। कहाँ से सीखे वैसे तुमने वाली पकोड़े? मुझे तो आज तक नहीं बताया तुमने। ये बहुत छोटा था ना तुमने तो शामली शहर से शामली शहर के जो पकोड़े बनते थे ना वो बहुत मुझे टेस्टी लगते थे, वो आज तक याद है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ वैसे बन जाए। चलो भाई देखते हैं आज कैसे बनते हैं पकोड़े शामली के। वैसे सालमपुर मेरा ससुराल है, हम लोग वहाँ जाते हैं तो बीच में शामली पड़ता है तो उसके लिए बोल रही बचपन से जाते हैं ये लोग वहाँ। बेसन ही रखा, ये मस्ट होती है इसके लिए चीज पकोड़े के लिए नहीं, अजवाइन जरूरी है। अजवाइन काम तो सारा मैंने करा है, पकोड़े का नाम इनका हो गया, इन्होंने पकोड़े बनाए। सोडा नहीं डालते इसमें? नहीं, इसमें बेसन भी बहुत कम डालता है। देखो हमने एक कटोरी में बेसन नहीं लिया है। इतना कम बेसन? थोड़े बिल्कुल पिचकाने नहीं है। अरे उसे पूरा तो कर लो काम को। अरे 2 मिनट ये एपिसोड रह गया बस। ओ ये और इनका तारक मेहता। इधर हमने कढ़ाई रखी है गैस पे, उसमें सरसों का तेल गरम हो रहा है अच्छे से। अच्छा इसको रिफाइंड नहीं बना सकते हम? इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको बहुत हल्के हाथ से मिलाना है ताकि आलू पिचक ना जाए पूरे। और आलू जो बॉईल करने हैं ना वो पूरे बॉईल नहीं करने हैं, नहीं तो उनकी खिचड़ी बन जाएगी। ये ऐसे मोटे मोटे आलू इसमें रहने चाहिए, ऐसे। अच्छा पहले तो कभी नहीं बनाए तुमने ऐसे पकोड़े? अरे बारिश हो रही थी, मेरा मन कर रहा था खाने का, मैंने कहा चलो बना दूँ। जैसे वो तुम्हारे लिए कचौड़ी लाया था मैं। हाँ सिविल लाइन की कचौड़ी। हो गया अच्छे से? टाइम लगता था करने में है। अच्छा हम लोग वैसे भी बनाते अच्छी तरह, बेसन घोल देते हैं, ये सिंपल तरीका है वैसे। से जो पकोड़े का टेस्ट आएगा ना वो क्रिस्पी वाला होगा, नरम नहीं होगा वो। क्रिस्पीनेस आएगी। चलो वो तो खाने के बाद पता चलेगा आज कैसे पकौड़े बनेंगे भाई। तो अच्छा ऐसे तो करना भी नहीं चाहिए, तो तुमने पहले चख लिए से हल्का सा? हाँ तो मैं जब भी खाना बनाता हूँ तब टेस्ट जरूर करता हूँ, पहले ही चख लो बाद में रोने से अच्छा तो कि हाँ मैंने इसमें कुछ कमी छोड़ दी। मिक्कू जी क्या कर रहे हो आप? कौन सा दाना खड़ा है मिक्कू बाहर? मिक्कू को काटेगा, मिक्कू काटेगा आपको? आपको कौन बचाएगा फिर? ये इन्होंने इस तरह तैयार कर लिया है इसको, और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। ये हमारे पकौड़े तलने स्टार्ट हो गए हैं। अब
इसे हल्के से रेडिश करने है ना। चलाते रहना इसको। और ये थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए अच्छे से। हाई फ्लेम पे जल जाएंगे ये। देखो इनके पकोड़े बन चुके हैं। पकोड़े की शक्ल तो देखने में अच्छी लग रही है, खाने में देखते हैं कैसे लगते हैं। सुंदर सुंदर पकोड़े, सामने वाले पकोड़े ले लो सुंदर सुंदर। कितने की प्लेट है भाई? तुम्हारे लिए फ्री है। हाँ तो मैंने काम नहीं किया इसमें, मैंने काम भी तो किया, सारा सामान तैयार करके दिया है मैंने। इतना तो हाथ बनता है भाई मेरा, जो मैं ये अच्छे अच्छे पकोड़े खाऊं। मैं फिर आगे बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे बने हैं पकोड़े। हमारे सारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कैसे बने हैं। फरिश्तों ने आके बना दिए थे तैयार, अपने आप हो गए हैं, हम तो बेकार हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि अच्छे नहीं बने भाई, अभी हम खा करेंगे जब पता चलेगा। भी विकू क्यों रो रहा है, क्या हो गया विकू? क्यों रो रहा है? और एली भी रो रही है, क्या हुआ दोनों को है? क्या हुआ? हम पकोड़े बनाने में मस्त हो गए थे, ये इनकी लड़ाई यहाँ हो गई। ये लड़ रहे हैं दोनों के दोनों बहन भाई, देखो जरा क्या हुआ, ये क्यों मारा? मम्मी इससे मेरी गोली ले रही थी, मैंने इसके हल्का सा मुक्का मारा, इससे मेरी इतनी तेजी से मार दी, मेरी सांस भी रुक गई। इतने तेजी से उन्होंने भी मारा है। तो बिकू दीदी को ऐसे मारती है क्या, बताओ? चलो सॉरी बोलो दीदी को, सॉरी बोलो मेरे को। चलो अली अब भी सॉरी बोलो। चलो ये अब हम लेंगे सास के साथ खाएंगे हम उसके पकोड़े। भाई बारिश का मौसम और गर्मा गर्म पकोड़े। ये देखो पकोड़े। मिक्को आ जा, मिक्को। ये सॉस मैंने इनको कहा था चटनी बनाने के लिए, चटनी नहीं होगा, नहीं चटनी के साथ नहीं खाते, सॉस के साथ ही खाते। मैं तो सॉस के साथ ही खाता हूं। मिकू बैठो बेटा, आप भी मिकू को बिठाओ भाई, मिकू को बिठाओ, मिकू खाओ, मिकू खाओ। हेली कैसे लग रहे? देखा तेरे डैडी के टेस्ट। हाँ मम्मी तो अच्छे बनाती है, नहीं डैडी अच्छे बनाते हैं भाई, है ना? और क्या? अरे मुझे तो खिला दो कोई, अपना आप लगे पड़े हो खाने में। अच्छे हैं भाई, टेस्टी हैं पकोड़े। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हमने पकोड़े को हमने फिनिश कर लिए हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स सिर्फ 2 मिनट लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। प्लीज़ 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 मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो।